नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने धर्मधाम विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। विधानसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को यहां मतदान होगा। मुख्यमंत्री कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपी लेकर सुबह 11 बजे कन्नूर में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मुंह पर मास्क, हाथ में दस्ताने पहने विजयन ने नामांकन दाखिल किया। कन्नूर के जिला सचिव MV जयरंजन के अलावा पार्टी के कई नेता भी उनके साथ नजर आए। आपको बता दें, पिनराई विजयन दूसरी बार धर्मधाम से चुनाव लड़ रहे हैं। शनिवार को केरल CM पिनराई विजयन ने कहा था कि उन्हें ये नहीं पता कि राज्य में वितरण के लिए वैक्सीन की कितनी डोज उपलब्ध होगी, लेकिन राज्य सरकार इसे मुफ्त में बांटेगी, किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि अब कांग्रेस नीत विपक्षी UDF और BJP ने पिनराई विजयन की इस घोषणा के खिलाफ रविवार को राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की और कहा कि इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। आपको बता दें केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।